हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। इस ट्यूटोरियल में आप जानेंगे प्रीमियर प्रो सीसी 2017 में इंपोर्ट करने के लिए क्या क्या ऑप्शन उपलब्ध है, यानी किसी भी प्रोजेक्ट में प्रीमियर प्रो में जब आप फाइल को इंपोर्ट करते हैं कितने प्रकार से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसलिए हम आपको इस ट्यूटोरियल में लेके आए हैं कि आपको इंपोर्ट करने के कितने तरीके हैं। सबसे पहले और सबसे जो आपको मिलता है फाइल मेनू में, जब जाते हैं हम फाइल मेनू पर जाके क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इंपोर्ट ऑप्शंस के सेक्शंस मिलता है। ये जो लाइन आपको दिख रही है इससे सेक्शन डिसाइड होता है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपको इंपोर्ट फ्रॉम मीडिया ब्राउजर। मीडिया ब्राउजर क्या है? मीडिया ब्राउजर एक तरीके से आपको ये ऑप्शन देता है सिस्टम कि आप किसी भी फाइल को प्रीव्यू कर सकें और उसको देख सकें। ये आपको मिलता है, यहाँ पर जब जाएंगे आप विंडो मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक देखिए ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, मीडिया ब्राउजर शिफ्ट 8 जिसका शॉर्टकट है। इस पर क्लिक करते हैं तो अब आप देखें यहाँ पर आपको मीडिया ब्राउजर यहाँ पर नहीं आ रहा है क्योंकि ये इसमें खाली ऑप्शन है। इसको हम ड्रैग करके इधर ले आते हैं कि हमें ऑप्शन दिखाई पड़े। ये मीडिया ब्राउजर है। मीडिया ब्राउजर क्या होता है कि आपके सिस्टम से कनेक्टेड जितनी भी हार्ड ड्राइव होती हैं इंटरनल या एक्सटर्नल, वो आपको यहीं पर शो करने लगता है और आप अपने हार्ड ड्राइव में जा करके जिस भी फुटेज को आपको लेना है आप यहां पर उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपको जितनी भी फाइलें आप यहां लाएंगे वो आपको यहां पर दिखाई पड़ेंगे। इनको देखने के लिए लिस्ट व्यू है, थंबनेल व्यू है, थंबनेल में भी आपको वीडियो भी दिखाई पड़ता है कि वीडियो इसके अंदर क्या क्या है। देखिए प्रोसेसिंग कर रहा है, टाइम ले रहा है प्रोसेसिंग करने में, कि जो फाइलें होती उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए इस तरीके से आप अपने सिस्टम में जो भी फाइल होंगी उन फाइलों की लिस्ट यहाँ पर आप यहाँ से इस तरीके से देख सकते हैं और इसके अंदर क्या है ये भी आप यहाँ प्रीव्यू कर सकते हैं। ऑडियो के साथ ऑडियो भी आपको आएगी। ये तो कोई पर्टिकुलर सर्च करना चाहते हैं तो सर्च करने का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ से इसके साइज़ को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं फ्रेम को। इस तरीके से आप इस मीडिया ब्राउज़र का यूज़ करके क्लिप को सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइल टाइप डिस्प्ले, किसी पर्टिकुलर टाइप की फाइल को देखना है तो आप यहां सेलेक्ट कर लीजिए, उसी टाइप की फाइल आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा। यहां पर आपको फाइल डायरेक्टली देखनी है या यहां फाइल डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, जब आप कोई कैमरा को डायरेक्ट से कनेक्ट करते हैं उस समय क्या होता है, आजकल के जो डिजिटल कैमरे हैं उनके अलग अलग टाइप से फॉर्मेट बनते हैं, उनको कई डायरेक्टरी के अंदर आपको फाइल मिलती है तो उनको उन हालात में आपको इस ऑप्शन का चुनाव करके आप बहुत आसानी से क्लिप को देख सकते हैं और इनको ला सकते हैं। इनको ड्रैग करने के बाद यहाँ देखिए और यहाँ ड्रैग करके ले आइए, एक को या एक से ज़्यादा क्लिप को ऐसे सेलेक्ट करते शिफ्ट प्लस करके एक से ज़्यादा क्लिप को सेलेक्ट करिए और आप यहाँ से ड्रैग करके ला सकते हैं, या ऐसे लिस्ट ले आइए ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट कीजिए इसको ड्रैग करके यहाँ ले आइए। एक तो ये तरीका होता है मीडिया ब्राउजर के थ्रू आप क्लिप को प्रोजेक्ट में इम्पोर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है यहाँ पर जब जाते हैं फाइल में इंपोर्ट ऑप्शन का, इंपोर्ट ऑप्शन पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो है एक विंडो ओपन होती है। ये विंडो आपको वो लोकेशन देती है कि कहाँ पर जहाँ पर आपकी फाइल्स हैं वहाँ आप जाइए उनको सेलेक्ट कीजिए और ओपन बटन पर क्लिक कर लीजिए। तो आप जो भी फाइल आप यहाँ लाएंगे तो इस तरह प्रोसेसिंग होकर आपके सिस्टम में जो प्रोजेक्ट आपने ओपन कर रखा है वहाँ पर आपकी ये फाइल आ जाएंगी। यहाँ इम्पोर्ट बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आप पर्टिकुलर फाइल की लोकेशन जो रिसेंट में आपने यूज़ किया है उनकी लिस्ट यहाँ रहती है, आप इनमें से कुछ चाहिए तो डायरेक्ट इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर सपोर्ट की जाने वाली टाइप ऑफ फाइल देखनी है तो यहाँ से आप उसका चुनाव कर सकते हैं। बाकी की फाइलें आपको दिखाई नहीं पड़ेंगी यदि आपने यहाँ पर किसी पर्टिकुलर फाइल को सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से देखने के लिए भी यहाँ पर व्यू करने का कई सारे तरीके हैं, लिस्ट व्यू, आइकन व्यू, ये देखिए यहाँ से आप व्यू करने देखने का तरीका आप बदल सकते हैं, उससे अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। यहाँ इसको लेंगे तो यहाँ प्रीव्यू एरिया आ जाता है, इसको लिस्ट व्यू में ले करके आप प्रीव्यू एरिया आपको यहाँ पर मिल जाता है। इस तरीके से इसको सेलेक्ट करें, ये प्रीव्यू एरिया का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप कर सकते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इनको सेलेक्ट करके आप यहाँ ले आइए, इतनी सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा इमेज सीक्वेंस एक ऑप्शन होता है जो हम लोग बेसिकली आफ्टर इफेक्ट से क्रिएट करते हैं। एक वीडियो को हम इमेज सीक्वेंस के रूप में रखते हैं, उस समय हम को इमेज सीक्वेंस पर क्लिक करते हैं तो आप इमेज सीक्वेंस को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। कैंसिल करते हैं, फाइल में जाते हैं, यहाँ पर और ऑप्शन बैच लिस्ट। यहाँ पर यदि आपने कोई बैच लिस्ट आपने बना रखी है
तो आप यहाँ पर सो सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे तो आपका बैच पूरा पूरा जो है वो लिस्ट के हिसाब से वीडियो आपके प्रोजेक्ट में आ जाए। रिसेंट फाइल जो आपने रिसेंटली अभी यूज़ किया है वो रिसेंट फाइल को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंपोर्ट करने के ऑप्शन आपको रिसेंट फाइल के लिए भी दिया हुआ है। इन चार ऑप्शंस के अतिरिक्त और कई सारे ऑप्शन हैं जिसके थ्रू आप फुटेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। एक तो सबसे शॉर्टकट तरीका है यहाँ पर कंट्रोल आई, या तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप यहाँ इंपोर्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा क्योंकि हमने क्लिप पे क्लिक किया है, हम यहाँ का व्यू चेंज करते हैं इस तरीके से। ये देखिए इंपोर्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट क्लिक करके आप इंपोर्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, कंट्रोल आई से कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे और एक्सटर्नल ऑप्शंस हैं, कैप्चर पैनल से भी आप फुटेज को इंपोर्ट करते हैं। फाइल में जब जाते हैं तो यहाँ पर कैप्चर ऑप्शन होता है, इसको क्लिक करते हैं। यदि आपने यहाँ पर डिवाइस को लगा रखी है अपने सिस्टम में तो उसमें इस समय हम इसके थ्रू आप इन आउट मार्क करके कैप्चर करते हैं और वो कैप्चर की हुई फाइल आपके सिस्टम में आ जाती है। कैप्चर केवल टेप से किया जाता है, वीडियो टेप से हम कैप्चर करते हैं। यदि आपने कैमकॉर्डर या बीटीआर को सिस्टम से कनेक्ट करके रखा है तो उस समय हम इससे कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा कई और ऑप्शन होते हैं, एडोब डायनेमिक लिंक, इससे क्या होता है कि आप आफ्टर इफेक्ट के कंपोजिशंस को हम यहाँ लाते हैं उसके थ्रू हम वीडियोस को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर है एडोब का, एडोब प्रीलूड, उसके थ्रू भी हम क्लिप्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। एक और इनका सॉफ्टवेयर है एडोब ब्रिज, इसके द्वारा भी हम फाइल्स को सिस्टम में अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर सकते हैं। और जो सबसे आसान और सबसे ईजी तरीका होता है, एक होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। आप यहां पर एक्सप्लोरर को ओपन कीजिए, जिस भी लोकेशन पे आपकी फुटेज है उस लोकेशन पे जाइए, उन फुटेज को सेलेक्ट कीजिए जो आपको चाहिए और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी क्लिप को यहां पर हम ला सकते हैं। वो चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो, स्टिल हो, ग्राफिक्स हो, साउंड इफेक्ट्स हो, गाने हो, जो भी फुटेज आप चाहेंगे वो फुटेज यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो यूटिलाइज काम करने वाला जो तरीका है, एक तो है कंट्रोल आई यानी इंपोर्ट ऑप्शन, दूसरा होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। इनका यूज़ करके आप किसी भी फाइल्स को अपने सिस्टम में ला सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और अगले वीडियो तक रामा की राम राम।